जादू। गेट स्टार्टेड, मेकअप को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का रिवाइटल लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, जो आपकी स्किन में बहुत डीपली जाता है और आपकी स्किन को रेडिएंट और ग्लोइंग बनाता है, स्मूथ बनाता है। सो सबसे पहले मेकअप में मैं सबसे पहले इसे ही यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मेरी जो स्किन है वो हाइड्रेट भी हो जाए और ये 10 लेयर तक डीपली जाता है। इसका एक फुल वीडियो मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगी इसके रिव्यू के लिए। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रीडम का लोशन। ये मॉइस्चराइज़र है जो जिसके अंदर विटामिन ई है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपकी ऑयली स्किन वालों के लिए, या फिर अगर आप समर में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत बिल्कुल भी चिपचिपा आपका फेस नहीं लगेगा। तो काफ़ी अच्छा है और बहुत शाइनिंग भी देता है और एक अच्छा स्मूदनिंग भी देता है। उसके बाद यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फेस कैनेडा का प्राइमर, जिसका एक रिव्यू मैंने पहले एक वीडियो में अपलोड किया है, और प्राइमर कौन सा कैसे स्किन के लिए अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना चाहिए इसका एक फुल वीडियो मेरे यूट्यूब पर है, और अगर आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा एक लिंक भी मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। सो ये प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ डैबिंग मोशन में, जिससे कि ये मेरे स्किन में बैरियर का काम करे। और यहाँ पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जो प्राइमर है वो ले रही हूँ अपने टी जोन एरिया पर, क्योंकि यहाँ पर समर का लुक है और बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग होती है, तो इसीलिए मैंने मतलब टी जोन पर ये जो आपका प्राइमर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई किया है, और डैबिंग मोशन में मैं इसको अच्छे से अपने स्किन में बैरियर की तरह लगा लूँगी। आप देख सकते हो वैसे कि स्किन में इसको लगाने के बाद एक बहुत अच्छा सा ग्लो भी आता है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती है, जैसे आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है प्राइमर है। अगर आप कोई और प्राइमर चुनना चाहते हैं और आपकी स्किन नॉर्मल स्किन है तो आप ये वाला प्राइमर आसानी से ले सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम का लिप बाम है, क्योंकि मेकअप से पहले लिप बाम ज़रूर लगाना चाहिए, जिसकी इतनी देर में आपका जो लिप्स होते हैं वो हाइड्रेट हो जाते हैं और मेकअप के लिए रेडी जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ लिप बाम। इसका फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा अच्छा है और ये यूज़ करने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद फर्स्ट मैं क्या करूँगी कि मेरा थोड़ा सा डार्क सर्कल्स है फेस पर, तो मैं जो NY का ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसका ब्रश बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप कोई कंसीलर चूज़ करना चाहते हैं तो आप NY में जा सकते हैं, और एक ही शेड थोड़ा सा मैंने लाइटर लिया है, जिससे कि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो थोड़े से मतलब छिप जाएँ। और मैं अपनी आँखों को पहले कंसील कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप आई मेकअप से पहले अपनी आँखों पर कंसीलर लगाते हो तो जो आपका कलर है वो पॉपअप होके आता है और बहुत अच्छे से आपका कलर भी दिखता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों आँखों में अच्छे से ये लगा लिया है, और मैं अपनी ब्राउज के ऊपर भी इसे अच्छे से लगा लूँगी, जिससे कि अच्छे से मेरे ब्राउज भी हाईलाइट हो जाएं। तो इसलिए मैं इनको दोनों तरफ लगा रही हूँ। इसका ब्रश बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप भी लेना चाहते तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट के जो लिंक है, परचेज लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद एक मैं छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, जिससे कि मैं डैबिंग मोशन में इसको मर्ज कर रही हूँ, और ये बहुत आसानी से आपको लग जाता है। सो आप देख सकते हो कि डैपिंग कर रही हूँ। डैपिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगता है, बट यस, आपका जो मेकअप है बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है आपकी स्किन में और बहुत अच्छे से लग जाता है। इसके बाद मैं NY का ही कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मैं ये जो कंसील एरिया है इसको ब्लॉक करूँगी, जिससे कि स्वेटिंग ना आए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्पैक्ट भी यूज़ करूँगी। कॉम्पैक्ट यूज़ करने से स्वेटिंग थोड़ा कम आता है और आपका जो फाउंडेशन होता है, कंसीलर होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके बाद मैं एक रेंगुलर, इसके बाद मैं यहाँ पर स्पायरल ब्रश यूज़ करूँगी, जिससे कि जो मेरी ब्राउज़ है, जो आईब्रोज़ हैं, उनकी एक सेटिंग हो जाए और एक शेप में वो अच्छे से आ जाएँ। तो दोनों तरफ मैं इस तरीके से कर लूँगी। इसके बाद मैंने लिया है एक फ्लैट ब्रश, और इससे मैं एक जो कलर है आई के लिए पिक करूँगी, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहती थी अपनी आईब्रोज़ को, क्योंकि ये डे टाइम का मेकअप है और मैं मेकअप बहुत ज़्यादा लाइट कर रही हूँ। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ब्राउन कलर, और मैं जो मैंने शेप दी थी स्पायरल ब्रश से, उसी पर ही मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये आईब्रोज़ को सेट नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा फेक लगने लगता है। तो मैं नेचुरली जिससे ये रहे, इसलिए मैं इसको आईब्रोज़ से सेट करूँगी, और उसी स्पायरल ब्रश से फिर एक बार फिर से मैं अपनी आईब्रोज़ की सेटिंग कर लूँगी।
इसके बाद मैं अपने फेस के लिए यूज़ कर रही हूँ आपका फाउंडेशन, और ये जो फाउंडेशन है गुदनानी गोल्ड का है, मींस ओरिफ्लेम का फाउंडेशन है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने फेस पर एक थिक लेयर लगाया है। बहुत जल्दी ही आपकी स्किन में मर्ज हो जाता है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देख सकते हो कि मैं ये जो फाउंडेशन है वो एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा, जिस पर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ब्रश कौन कौन से मेकअप को यूज़ करने में लगाने चाहिए। तो आप एक बार देख सकते हो वो वीडियो भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मैं ब्रश से ज़्यादा अच्छा लगाना पसंद करती हूँ फाउंडेशन को। इससे क्या होता है कि आपका फाउंडेशन आपके पूरे फेस पर अच्छे से लग जाता है। फाउंडेशन को अगर आप लगा रहे हैं तो नेक और अपने ईयर को कवर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल ईवन लगेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। इसको मैंने पहले वाटर में सोक कर लिया था, जिससे देख सकते हैं कि मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, और इस पे जो फाउंडेशन है वो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर सोक नहीं करेगा, तो वो मेरे फेस पर ही रहेगा। इसके लिए एक फुल वीडियो मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब पर, आप जाएँ और उसे चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं अच्छे से अपने फाउंडेशन को प्रॉपर अपना डैपिंग मोशन में मर्ज कर लूँगी अपने फेस पे। आप देख सकते हो कि बहुत इजीली वो ब्लेंड हो जाता है और बहुत आसानी से स्मूथली लग जाता है। और सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से यूज़ करोगे तो आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ईवन भी लगता है। तो आप देख सकते हो, इसके बाद मैं कंसील करूँगी अपने अंडर आई एरिया को। थोड़ा सा मेरा यहाँ पर डार्क सर्कल्स है, और मैं थोड़ा सा इसको हाइड करने के लिए यहाँ यही वाला NY का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसीलर है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। स्मूथ ब्रश है तो इसे लगाने में बहुत आसानी होती है, और इसका जो शेड है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद आप देख सकते हो कि मैं अच्छे से अंडर आई एरिया में इसको लगा रही हूँ। इसके बाद मैं अपने थोड़ा सा जो कंसीलर है वो फोरहेड पर करूँगी, जिससे कि थोड़ा सा मेरा जो फेस पर जो वाइटनेस है थोड़ा उभर कर आए। इसके बाद मैं अपना थोड़ा सा अपने चिक पर भी इसे यूज़ करूँगी, और थोड़ा सा चिन पर भी यूज़ करूँगी, जिससे कि जो मैं जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा डार्कनेस है तो वहाँ पर आप कंसील अपने इससे कर सकते हैं। सो ये मैंने फर्स्ट टाइम मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो अगर गाइस आपको पसंद आता है तो ज़रूरी से लाइक करना, और कुछ बहुत सारी अभी इसमें गलतियाँ भी हो गई है, बट नेक्स्ट टाइम ये फिर से बहुत अच्छे से मैं बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है यांसे का कॉन्टोरिंग, जिसमें कि एक आपको वाइट काजल मिलता है और आपको एक कॉन्टोरिंग के लिए एक आपको स्टिक मिल जाता है। तो मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपने फेस को, जिसमें मैं 3 की शेप में अच्छे से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग ज़रूर करनी चाहिए अगर आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपके फेस पर एक पूरा अच्छे से शेप आ जाती है, आपकी जॉ लाइन बहुत अच्छे से दिखती है। तो कॉन्टोरिंग आपको डेफिनेटली ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आपको फाउंडेशन से आपका फेस बहुत ज़्यादा राउंड लगने लगता है, बहुत ज़्यादा गोल मटोल सा लगता है। वैसे मेरा थोड़ा चबी फेस है, तो इसलिए मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ, जिससे कि मेरा जो फेस है वो बहुत अच्छे से उभर के आए, उसका जॉ लाइन वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर मैंने अपनी नोज़ पर भी कॉन्टोरिंग की है, नोज़ पर भी कॉन्टोरिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो शार्प एक नोज़ आपको अच्छे से अपने मेकअप में दिखाई देती है। और उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पर ब्लेंडिंग। जो मैंने कंसीलर यूज़ किया था NY का, उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करने के लिए मैं डिफरेंट साइड से एक छोटा सा आप डिफरेंट ब्लेंडर ले सकते हैं, जिससे कि आप कॉन्टोरिंग करेंगे। बट सेम अगर आप उसी तरफ से ही ना करें, अगर आप सेम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आपका ब्राउन कलर होता है फिर वो आपके ब्लेंडर पे आ जाता है, थोड़ा बहुत भी अगर आ जाता है तो फिर वो आपके फेस पर लग जाता है। कॉन्टोरिंग हमेशा करनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है फेस। और थोड़ा मैं और भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी जल्दी, जिससे कि थोड़ा सा मेकअप के बारे में आपको और भी ज़्यादा बता सकूं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ डिफरेंट ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे कि मेरा जो कॉन्टोरिंग का कलर है वो मेरे फेस पर ना आए, सिर्फ जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग की है वहाँ पर ही मैं मर्ज कर सकूँ। ये मेरा डन हो गया है मेकअप बेस पूरा, अच्छे से कॉन्टोरिंग हो चुकी है, कंसीलर हो चुका है, और जहाँ पर आपका इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रिवर्सल पैलेट,
जो कि है ब्यूटी गैलेस्ट की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैलेट है और इसके अंदर बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको जो आपका थोड़ा सा शिमर शेड भी मिल जाते हैं, स्पार्कल शेड भी मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा पैलेट है। इसका लिंक मैं परचेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छा पैलेट है, अगर आप जाना चाहते हैं इस पैलेट में तो डेफ़िनेटली जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर न्यूड्स भी हैं। तो आप अगर बहुत बेसिक सा आई मेकअप करना चाहते हो तो आप उन कलर को पिक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बहुत हल्का लाइट ब्राउन कलर यूज़ किया है, जैसे कि मैं इसको कट क्रीज कर सकूं और एक मैं अपनी आंखों के लिए सबसे ऊपर इसे सेट कर सकूं। इसके बाद मैं एक डिफरेंट आई कलर और पिक करूंगी, थोड़ा सा लाइट है पहले के कंपैरिजन में, और मैं इसे आगे की तरफ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्रश के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि ये कौन सा ब्रश है, आप चाहें तो आप अच्छे से चेक कर सकते हो जाकर। इसके लिए एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कलर्ड बोर्ड का ये आई पैलेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं। इसमें कलर बोर्ड में आपको 4 पैलेट मिलती हैं और बहुत ही अच्छा है। फिर यहाँ पर मैं एक डिफरेंट अपना आई ब्रश यूज़ कर रही हूँ और एक डिफरेंट मैंने थोड़ा डार्क कलर यूज़ किया है, ब्राउन कलर। इसके बाद ये जो मैं यहाँ पर ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, स्पार्कल टाइप का सा है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये स्टीला का है। इसका जो पैक है उसमें 6 आपको डिफरेंट शेड्स के आपको लिक्विड हाइलाइटर आपको मिल जाते हैं। मैंने आपको जैसे पैक शो किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपके मेकअप को बहुत जल्दी मतलब बहुत क्विक मेकअप बना देता है और आपको ज़्यादा कलर पिक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो बहुत अच्छे शेड्स इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फेस कैनेडा का आईलाइनर, जो कि बहुत स्मूथ है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है, डार्क कलर ब्लैक है, जेट ब्लैक है ये। सेकंड थिंग क्या है कि इसका जो ब्रश है वो बहुत अच्छा है, स्मूथ है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आईलाइनर लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मैं यहाँ पर NY का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपने मेकअप को एक फिनिशिंग दे पाऊँ और जो मेरा फाउंडेशन और कंसीलर है या मेरी कॉन्टोरिंग है वो अच्छे से ब्लॉक हो जाए। यहाँ पर मैं अपनी नेक को ज़रूर कवर कर रही हूँ, जिससे कि मेरा जो नेक है और मेरा फेस बिल्कुल डिफरेंट ना लगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऑरिफ्लेम का यूज़ किया है ब्रॉन्जिंग, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बॉल्स होती हैं इसमें डिफरेंट काफ़ी कलर की होती हैं। अगर आप इसे अपने फेस पर यूज़ करते हो, अगर विदाउट मेकअप भी यूज़ कर रहे हो, तो आपके फेस पर एक बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ब्लशर, और ब्लशर के लिए बहुत अच्छा ब्रश है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मरमेड शेप में है। इसका जो लिंक है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डाला हुआ है, परचेज लिंक आपका मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर ये जो मैंने ब्लशर यूज़ किया था वो CG का ब्लशर यूज़ किया था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं फ़ैन ब्रश ले रही हूँ, और जिससे मैं जो आपका स्प्रे होता है, सेटिंग स्प्रे होता है, थोड़ा सा मैं इसको मतलब इस पर डाल लेती हूँ फ़ैन ब्रश पर, जिससे कि जो मेरा हाइलाइटर है वो बहुत अच्छे से पिक हो जाता है और फेस पर बहुत अच्छे से लग भी जाता है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। और ये जो मैंने हाइलाइटर यूज़ किया था ये हुडा ब्यूटी का था, और ये जो मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ वो कलर बार का कर रही हूँ। यहाँ पर फिर मैंने अपनी जल्दी से चेंज किया अपने कपड़ों को, और उसके बाद यहाँ पर मैंने मेहरूम कलर का लिपस्टिक यूज़ किया है, जिसके तो मेरा जो दुपट्टा था उसका जो कलर था वो मेहरूम था, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। और यहाँ पर मैंने फेक नेल्स यूज़ किए हैं, और मैंने अपने लुक को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर पोटली ली है। ये था मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक हाथ में बॉच, एक हाथ में एक बस्ते